नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरी में प्रदेश दुवक राज्य मंत्री कर्ण सवार गाड़ी दुर्घटना, राज्य मंत्री कर्ण सहित 6 गोटे घायल। जनमत पार्टी से किसान आंदोलन जारी, बुध दिन से हो विभिन्न स्थान में चक्का जाम प्रदर्शन। मौल खादक अभाव हटाव, भारत संघ G2G समझौता करवाक सरकारक निर्णय, पहल चरण में 1.5 लाख मेट्रिक टन मौल खरीद। जनकपुर जयनगर रेल जल्दी संचालन में अनबाक सरकारक तैयारी, प्रधानमंत्रीक भारत भ्रमण के क्रम में मिति तय हेबाक मंत्री यादव से जानकारी। आ नेपाली कांग्रेस धनसाक सभापति में क्षीरेश्वर नाथक मेयर पजियारक उम्मीदवारी घोषणा, अधिवेशन माघ 15 गते हैत। सवारी दुर्घटना में पड़ कर प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामला तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण सहित 6 गोटे घायल भेल। राज्य मंत्री कर्ण सवार J1J4-6 नंबर के गाड़ी बुध के साँझ सप्तरी के छिन्वस्ता सड़क खंड स्थित जोलहनिया पुल नजदीक के अपने अनियंत्रित भकर दुर्घटना भेला से हुनका सहित 6 गोटे घायल भेल। छिन्वस्ता गाँव पालिका 1 बरहीबीरपुर में हत्या कैल गेल भूटी यादव के परिवार संग भेट के क्रम में राज्य मंत्री कर्ण के गाड़ी पलटल, प्रहरी जानकारी दिलक। दुर्घटना में पड़ित घायल भेल में से राज्य मंत्री कर्ण के बायां हाथ में चोट लागल, अन्य के अवस्था सामान्य रहल बताओल गेल। एखन उनका सबके राजबिराज स्थित छिन्मस्ता अस्पताल में उपचार भ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलन। किसान आंदोलन करत आयत जनमत पार्टी बुध दिन से हो विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध कलक। दीवा काल में राजमार्ग अनिश्चित काल के लिए बंद घोषणा केने जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब निरंतर सड़क में उतरल। वो सब विभिन्न स्थान में टायर बारि कर सड़क अवरुद्ध कर रहा। 7 बुधे मांग रखत आंदोलन करत आयल जनमत पार्टी पिछला समय 4 बुधा थप करत 11 पहुँचौलक। वो सब किसान के लिए पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निशुल्क, मल खाद आ बीऊ बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उइक किसान के भुगतानी, मुद्दा फिरता, किसान ऊपर दमन बंद कर आ उच्च स्तरीय समिति गठन कर के मांग रखलक। जनमत पार्टी बीतल बृहस्पति दिन तराई मधेश के जिला में पूर्व पश्चिम राजमार्ग दीवा काल के लिए अनिश्चितकालीन बंद करवाक आ संघीय मंत्री सबके उपस्थित रह वाला कार्यक्रम सब में विरोध प्रदर्शन करवा कहित आंदोलन घोषणा केने छल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय भारत से G2G मार्फत मल खरीद कर जा रहा है। बुध दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक मल खरीद कर के लिए समझौता कर के निर्णय के मंत्रालय जनौलक। भारत सरकार संग मल खरीद कर 5 वर्ष के लिए समझौता कर के निर्णय भेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र यादव जानकारी दिलन। अपन टेलीविजन संग बातचीत करत मंत्री यादव पहिल वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन खरीद हेबाक आ वही के बाद प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि कर देवक लक्ष्य लक समझौता होब जा रहा जानकारी दिलन। G2G करे के निर्णय घड़ी करने से प्रति वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन देते है और प्रति वर्ष जो है 10% बढ़ावी देते है। ये क्वांटिटी है 10% बढ़ावी तैयारी 5 वर्ष होते है। इस हिसाब से दिया गया G2G जो निर्णय रही है प्रधानमंत्री जा रहे थे वही में जो है मंत्रालय के सचिव जो थे वहाँ एम ई होते हैं। मॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अभाव रहल कहत ओ भारत उपलब्ध कराव वाला मॉल से मात्र नहीं पहुंचला से अन्य देश संग से हो G2G समझौता कर जा रहा जानकारी दिलन। अभी देश के लिए 5 लाख मेट्रिक टन यूरिया चाहिए है ना, 2 लाख मेट्रिक टन DAP चाहिए। भारत सरकार 1 साल में मात्र 1.5 लाख मेट्रिक टन देते, बाकी आपूर्ति जो होते अन्य देश से भी पत्रचार मिल रहे, अन्य देश से भी G2G कर जाए प्रसन्नता है। अन्य देश के अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसका स्थिति है, अभाव है। अन्य देश से भी अगर G2G की अवस्था होती तब प्रक्रिया गरीब होते तो तत्कालिक यही से 1.5 लाख मेट्रिक टन से गेहूँ चीजें उपलब्धता हो जाता है। और अन्य देश से भी अगर G2G नहीं होती तब जैसे ठेका प्रणाली से गाड़ी फिर वक्त बढ़ा दी जाते, लेकिन G2G के ही प्राथमिकता है। मंत्री यादव एखन सरकार संग 12,000 मेट्रिक टन मल मात्र मौजूदत रहल जानकारी देलन। ओ चैत बैसाख धरि आवश्यकता अनुसार के मल पहुंच जात बतौलन। मल खाद अभी भी है के 12,000 मेट्रिक टन अभी भी नेपाल सरकार के गोदाम में छे,
वितरण भ रहा है, लेकिन वितरण की आवश्यकता है वही हिसाब से थोड़ा कमी जरूर है। बारिश होने से एक ही डिमांड बढ़ गए है ना, मल खाद अभी भी आपूर्ति हो रहा है ना, लेकिन वो मल आला के बाद पर्याप्त हो जाते है। और प्रधानमंत्री के आला के बाद तुरंत प्रक्रिया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जितने जल्द होते होते जल्दी सक्षम होते। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमण में गेला पर अ विषय में सचिव स्तरीय समझौता पत्र में हस्ताक्षर हेबाक बताओल जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में मॉल के अत्यधिक मूल्य वृद्धि भेला कारण ओ के असर नेपाल में सेहो पड़ल है। मूल्य वृद्धि के कारण ठेकेदार कंपनी से मॉल आनन नहीं सकल के कारण नेपाल में मॉल के हाहाकार भेल है। वह भेला से सरकार भारत से सीधे मॉल खरीद कर के समझौता कर लागल। मंत्रालय जनौलक सरकार पर्याप्त मॉल खाद के व्यवस्था कर नहीं सकल कहित किछ दिन इम्हर जनमत पार्टी किसान आंदोलन समेत करित आयल। एही बीच सरकार उई के समर्थन मूल्य सेहो निर्धारण कलक। समर्थन मूल्य 590 रुपया प्रति क्विंटल तोकल गेल। सरकार जनकपुर जयनगर रेल सेवा जल्दी संचालन में अनबाक जानकारी दिलक। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय भारत के जयनगर से धनुषा के कुर्था धरि 34 किलोमीटर रेल सेवा संचालन के अंतिम तैयारी भेल जनौलक। मंत्रालय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के भारत भ्रमण के क्रम में रेल सेवा उद्घाटन के मिति तय हेबाक जानकारी देल गेल। सरकार बीतल वर्ष 84 करोड़ 65 लाख रुपया में खरीद केने दूटा रेल बीतल वर्ष के आसिन से धनुषा के इनरवा स्टेशन में तिरपाल से झाँप कर राखल गेल। 15 महीना से ट्रैक में तिरपाल ओढ़ा कर राखल गेल कहित तीव्र आलोचना भेला बाद सरकार संचालन के अंतिम तैयारी में जुटल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव तत्काल रेल संचालन में आने के संपूर्ण तैयारी भ चुकल कहित प्रधानमंत्री देउवा के भारत भ्रमण क्रम में दू देशक प्रधानमंत्री बीच के बातचीत बाद उद्घाटन के मिति तय हेबाक जानकारी दिलन। सारा कुरा हाम्रो तयारी हो, भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ पनि हुँदैछ। अब दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीजी साथ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी इन्डिया गएपछि डेट फिक्स गर्नुहुन्छ कुन दिन यसको उद्घाटन गर्ने, अनि कन्टिन्यू एक टाइम कम्तीमा रेल चल्नै पर्छ भनेर त्यो एउटा हो। प्रधानमन्त्री देउवा या पुस 25 गते से 27 गते देर भारत भ्रमण में जेबाक तैयारी भेल छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवा के भारत भ्रमण के कार्यक्रम सार्वजनिक अखन नहीं कैल गेल। एम्हर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सेहो जनकपुर जयनगर रूट में रेल संचालन के सब तैयारी पूरा भेल जानकारी दैत भारत सरकार के तरफ से उद्घाटन के मिति के प्रतीक्षा में रहल बतौलन। ओ रेल संचालन के लेल हाल दैनिक रूप में ट्रैक परीक्षण भ रहल सेहो बतौलन। रेलवे चाहिँ संचालन गर्दै छौ, रेलवे संचालनको सबै तयारीहरु चाहिँ पूरा भएको छ। अहिले पनि डेली हामी रेलवेको चाहिँ ट्र्याकहरू चेकिङ गर्दै त्यो रेल चाहिँ चलाइरहेछौँ, रेललाई टु एन्ड फ्रो चाहिँ चलाइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ अब उद्घाटन मितिको हामी प्रतीक्षामा छौँ र माननीय मन्त्रीजीले प्रधानजीसँग पनि कुराकानी भइसकेका छ र हामीले यो भारत यो इम्बेसी मार्फत इन्डियन इम्बेसी मार्फत भारत सरकारसँग पनि रेलवे सञ्चालनको मिति चाहिँ हामी पर्खेर बसिरहेछौँ। यो भइसकेपछि हामी रेगुलर नेपालमा चाहिँ 35 किलोमिटरमा अहिले हाललाई चाहिँ रेलवे चाहिँ चल्छ, त्यो तयारी पनि हामीले चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। तहिना किछ नदीमे आन्तरिक जलमार्ग विकासके लेल काज भ रहल सेहो ओ जानकारी देलन। ओ चालू आर्थिक वर्ष भित्रे कर्णाली कालीगण्डकी कोशी नारायणी आ त्रिशूली नदी में जलमार्ग संचालन के लेल संभाव्यता अध्ययन करैत यात्रा करय के लेल प्रयास कयल जा रहल बतौलन। ओ जल यातायात नियमन कर एन कानून सब आगा बढ़ाओल गेल सेहो बतौलन। विकासको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तो जस्तै 77-78 यो खक्रौला खिमुडी यो कर्णाली नदीमा कालीगण्डकी नदीमा यो रामदीदेखि देवघाटसम्म कोशी नदीमा सतरादेखि तुम्लिङटार नारायणी नदीमा देवघाटदेखि गण्डकसम्म र त्रिशुली नदीमा देवघाटदेखि मुगलिङसम्म को उसमा चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जल यातायातलाई यातायातको लागि हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर जल यातायातको लागि हामीले चाहिँ अब जल यातायात नियमन गर्नको लागि हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। सचिव श्रेष्ठ नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सदस्य राष्ट्र भेल बतबैत ओहि के लेल बहुत संधि सबके अध्ययन कर मंत्रालय समिति गठन केने सेहो जानकारी देलन।
नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति में क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के मेयर योगेंद्र पजियार जोगी उम्मीदवारी घोषणा कलन जनकपुर धाम में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करते पजियार बिमलेन्द्र निधि समूह के तरफ से जिला सभापति में उम्मीदवारी घोषणा कलन पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश दू संसदीय दलक नेता तथा प्रदेश दू सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामस्वरूप यादव पजियार के नाम प्रस्ताव कलन तहिना वर्तमान धनुषा सभापति महेश शंकर गिरी यादव के प्रस्ताव के समर्थन कलन उम्मीदवार पजियार 3-4 गोटे उम्मीदवार भेलो पर अपना पहिल चरण में चुनाव जीतब दावी कलन जिला सभापति के उम्मीदवार के रूप में घोषणा कलग और हम विश्वास दिलाब चाहे यदि कल के दिन निर्वाचन के बाद हम जीते छी तो नेपाली कांग्रेस सुदृढ़ करबे मजबूत करबे और आबो वाला दिन में जे निर्वाचन सब छे स्थानीय निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन संघीय निर्वाचन संपूर्ण तो तबका के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के बहुमत दिलावे तई बात के हम भरोसा दिलावे चाहे छी। प्रदेश दूक अधिवेशन में सत्ता के दम्भ देखल गेल आ धमकी सब आयल दावी करत पजियार जिला अधिवेशन में एहन नहीं चलत आ ओई के जवाब देव बतौलन पजियार के प्रस्तावक प्रदेश मंत्री यादव पजियार के नेतृत्व में धनुषा में कांग्रेस एक हेबाक दावी करत कुशल नेतृत्व आन मदद कर आह्वान कलन महासमिति सदस्य जुझारू नेता योगेंद्र पजियार जी उपस्थित छथि। हमरा अनुभव भ रहल अछि यदि योगी पजियार जी नेतृत्व में एता तो विगत में जे हमरा सबके उपस्थिति एहि जिला में कमजोर छल उपस्थिति के मजबूत रूप में आगे वाला आसन निर्वाचन में तीनों निर्वाचन में स्थानीय तो प्रदेश और केंद्र के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस बेसी से बेसी साथी सब के जीता के लेता से हमर विश्वास है। वर्तमान जिला सभापति महेश शंकर गिरी पजियार कुशल नेतृत्व देव सकबाक भेला से अपन भरपूर समर्थन हुनका रहत बतौलन तिथि टोकल छले फिर एकाएक अपने के 9 बजे हमरा जानकारी मिलल कि 15 गते माघ 15 गते के सर गए बड़ा विभिन्न कार्य कारण विभिन्न अब की कारण सब केंद्र में अब कोना भेल से तब केंद्रीय कार्य समिति जनता निर्वाचन समिति जनता लेकिन हम सब तैयार छी। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न भेलो पर 16 जिला अधिवेशन होब एखनो बाकी है जैमे से प्रदेश दू के 8 जिला अधिवेशन बाकी है या ऐसा पहिने पूस 27 गते तय भेल जिला अधिवेशन आब माघ 15 गते हेबाक बुध दिन कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सर्कुलेशन जारी कलक है। धनुषा जिला अधिवेशन के लिए करीब 4,000 मतदाता रहल है। धनुषा सभापति में संस्थापन पक्ष वर्तमान उपसभापति संतोष यादव पूर्व सांसद दिनेश प्रसैला यादव आ वर्तमान सचिव विशेश्वर यादव समेत आकांक्षी रहला है। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर शेखर कोइराला केंद्रीय सदस्य के मनोनयन कोन मापदंड के आधार में भेल कहिक सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रश्न कलन बुध दिन नेता कोइराला काठमांडू में पार्टी के 14 महाधिवेशन में अपन समूह से निर्वाचन लड़ल नेता के बैठक में केंद्रीय सदस्य के कोन मापदंड बनबत नियुक्त कैल गेल कहिक अपना के जानकारी कराब ओ बतौलन पार्टी में न्यायोचित अवसर के वितरण आ व्यवस्थापन होब के मांग कलन ओ पार्टी सभापति के अपन हिसाब से काज कर के छूट नहीं रहल बतौलन यसलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनु भएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नु भएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कांग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
ओ पार्टी के निष्ठावान ईमानदार आ त्यागी नेता कार्यकर्ता के बाईपास कर के काज विरुद्ध आवाज उठाब बतौलन। पार्टी नेतृत्व के गतिविधि आ निर्णय से कांग्रेस संगठन में निराशा पैदा भेला पर आगामी निर्वाचन में असहज परिणाम आयत बतौलन। अहिले पार्टी संगठन भित्र कटुता विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन। तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान इमानदार त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। नेता कोइराला आगामी तीनों तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस अकेले लड़त बतौलन। कांग्रेस के अकेले लड़ला पर विजयी हाथ बतौलन। पार्टी के एक नंबर के पार्टी बनावा आ कांग्रेस एकता रूपांतरण के संदेश लैत जनता के बीच में जाब ओ उल्लेख कलन। बृहस्पति के लिए बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा के बैठक सूचना सहित स्थगित भेल। अइसे पहिने बीतल रवि दिन बजाओल गेल बैठक अहिना स्थगित करैत बृहस्पति के लिए घुसकाओल गेल छल, लेकिन अइके आगामी दिन बुध के विशेष कारण देखबैत बृहस्पति के बैठक स्थगित कयल गेल। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव भरत गौतम जानकारी देने। गौतम के अनुसार आ प्रतिनिधि सभा के बैठक पूस 28 गते बुध के दोपहर 1 बजे बैसत। जन्मसिद्ध तथा एकल माय के संतान सबके नागरिकता देव सरकार संग मांग कयल गेल। काठमांडू में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत जन्मसिद्ध आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता नहीं पौला पर समस्या भेल कहत नागरिकता विहीन नेपाली समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर इंद्रजीत साफी नागरिकता देव सरकार संग मांग कलन। साफी पूस 25 गते भीतर अपन सभक मांग पूरा नहीं भेला पर अधिकार आ पहचान के लेल राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन करब चेतावनी दलन। 6,80,000 से बेसी एखन धरि नागरिकता नहीं पौने समेत ओ तथ्यांक सार्वजनिक कलन। इंजीनियर साफी जन्मसिद्ध आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता देव मांग करैत राष्ट्रपति विद्या भंडारी के ज्ञापन पत्र बुझौने से हो याद दियौलन। तहिना गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के से हो यह समस्या बारे में ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल बतौलन। सरकार सुइनो क अनसुना केने आ बुझो क बुझ पचौने जेहन केला पर अपना सब थप पीड़ित भेल अपन उपराग रखलन। देश भर से नागरिकता से वंचित भेल साथी सबके एकजुट करब बतौलन। यह पुष 25 गते से संसद भवन घेराव सिंह दरबार स्थित मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री कार्यालय घेराव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली आ अन्य नेता के निवास घेराव करवा कार्यक्रम रहल जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर मंत्री तथा सचिव सबके निर्देशन दिलन। बुध दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में संयुक्त बैठक बजबैत प्रधानमंत्री देउवा देश आ जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर मंत्री तथा सचिव सबके निर्देशन दिलन। ओ देश के विकास आ निर्माण काज के तीव्रता देव जका बजट परिचालन कर से हो अर्थ मंत्रालय के सचेत करौलन। प्रधानमंत्री देउवा जनता के जीवन रक्षा के लिए से हो ओतबे चाँख भक लाग मंत्री तथा सचिव सबके सचेत कराने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। सचिव को संयुक्त बैठक निर्देशन दिए मूलुक को विकास र सरकार ने दिनुपर्ने जो सेवा सुविधा तीव्रता का साथ अगड़ी बढ़ाने र जनता को जीवन रक्षा का निमित्त सरकार चनाखो होने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको तस्विरहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, के समस्याहरू छन् ती पनि बताउनु भएको छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले यी सबै समस्याहरू सनातन हुन् तर अब अहिलेको परिस्थितिमा यी समस्याहरूको के गरेर समाधान गरेर मुलुकलाई रफ्तारको साथ सेवा सुविधा जनतालाई दिएर विकास निर्माण जान सकिन्छ त्यो बाटोमा लाग्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाके जानकारी गराउने छला। एम्हर प्रधानमन्त्री देउवा यी समस्या समाधान करैत जनसेवाके काजके रफ्तारमा आगा बढाव बतौलन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रवि दिन भारत भ्रमणमे जा लगलाछ। मन्त्री परिषदके बुध दिन बैसल बैठकसँ प्रधानमन्त्रीके भारत भ्रमण अनुमोदन कयल गेल। एक मन्त्रीके अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सहितके 25 सदस्यीय टोली सोम दिन गुजरातमे शुरू होवला वाइब्रेंट गुजरात समिटमे सहभागी होवा भारत जा रहल अछि। 4 दिनक भ्रमणके क्रममे प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग भेट समेत करता। प्रधानमन्त्री सहितके टोली नेपाल एयरलाइन्सके विमान मार्फत रवि दिन दिल्ली होइत अहमदाबाद जायत। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता देव गुरुङ पार्टी आ देशेके अभिभावकके रूपमे रहलासँ पार्टीमे पुरान नेतृत्वके निरन्तरता देल गेल बतौलनि। नेता गुरुङ पार्टी आ देशेके अभिभावक भेलासँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डके पार्टी नेतृत्वके जिम्मेवारी देल गेल बतौलनि। ओ पार्टीमे अन्य पदाधिकारी सब केहन बनायब विषयक बात पार्टी अध्यक्ष आ पार्टी कमिटीके रहलासँ सक्षम व्यक्तिके चयन कऽ कऽ नेतृत्व देबऽ पड़त बतौलनि। नेता गुरुङ आबयवला पुष 25 गते बैसयवला पार्टी कमिटीके बैठकसँ पदाधिकारी सबके विषयमे निर्णय लेल जायत जानकारी देलनि। आन्दोलनको आवश्यकता तपाईँको अब जनयुद्धभन्दा पूर्वदेखि नै जनयुद्धको 10 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया सबै प्रक्रियामा चाहिँ नेतृत्व गर्दै आइरहेको एउटा पुरानो निरन्तरताको लिडरसिप मुलुककै निम्ति एउटा अभिभावक जस्तो संरक्षक जस्तो व्यक्तित्व रहेको हुनाले चाहिँ लिडरसिपको सन्दर्भमा उहाँकै निरन्तरता हुनु कुरा स्वाभाविक कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब त्यसपछि अरू चाहिँ लिडरसिपहरूको टिम बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि चाहिँ मुख्यत चाहिँ अब केन्द्रीकृत सामूहिक अभिव्यक्तिको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति चाहिँ अध्यक्षबाटै हुने भएको हुनाले चाहिँ उहाँले नै टिम बनाउने कुरा हो। उहाँले नै कस्तो खालको टिम बनाएर जाँदाखेरि चाहिँ लिडरसिपको टिम बनाएर जाँदाखेरि नेता गुरुङ वर्षमान पुन आ जनार्दन शर्माके महासचिवमे दावेदारी आइ रहला छ सहमतिमे लजेबाक प्रयास भरल बतौलनि। ओ सहमतिमे जा नै सकला पर वरिष्ठ नेता सबसँ सहमतिमे जाके बात चलि रहला छ। महासचिवमे अपन नाममे प्रस्ताव आयल सेहो बतौलनि। नेता गुरुङ अपना एखन धरि पार्टीके कोनो पदमे दावी नै केने कहैत सहमति मिलाव महासचिव बन प्रस्ताव अयला पर अस्वीकार नै करब आ तोकल गेल जिम्मेवारी पूरा कर तैयार रहल बतौलनि। सर्वसहमतिले नै टुङ्गेला भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर अब कति सर्वसहमत हुन्छ प्रयास चाहिँ जारी छ। पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट प्रयास चाहिँ जारी छ। अब अन्तसम्ममा चाहिँ सहमतिमा टुङ्गेला कि भन्ने आशा अपेक्षा चाहिँ छ। अब के हुन्छ त्यो त 25-26 देखिने कुरा हो। अब मैले चाहिँ महासचिव हुनु पऱ्यो या चाहिँ अरू कुनै पद हुनु पऱ्यो फलना हुनु पऱ्यो ढिसना हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म अहिले मात्रै होइन यो पार्टीको हिस्ट्रीमा चाहिँ यो पद हुनु पऱ्यो त्यो पद हुनु पऱ्यो भनेर कहिले पनि दावी गरेका छैन। र पार्टी भनेको भोलिन्टियरली रूपले चाहिँ योगदान गर्ने थलो हो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले स्वयं नेता गुरुङ पदाधिकारीके लेल कयल गेल निर्वाचनसँ क्षणिक समय लाभ मिल्लो पर अन्ततः पार्टी विघटनके स्थितिमे पहुँचबाक दावी कयलनि। गण्डकी प्रदेशक मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानसँ देल गेल अधिकार बाँडफाँटके विषयमे केन्द्र सरकार आ प्रदेश सरकार बीच विवाद देखल गेल बतौलनि। बुध दिन गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आ मुख्य न्यायाधिवक्ताके कार्यालय गण्डकी आयोजना केने गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको जानकारी सम्बन्धी गोष्ठीमे बजेट मुख्यमन्त्री पोखरेल केन्द्र सरकार आ प्रदेश सरकार प्रयोग करयवला अधिकारके सम्बन्धमे विवाद देखल गेल बतौलनि। संविधान देने केन्द्र आ प्रदेश सरकारके साझा आ एकल अधिकारके सम्बन्धमे विवाद देखल गेलासँ केन्द्र आ प्रदेश सरकारसँ पाओवला अधिकारके सम्बन्धमे परिमार्जन करैत आगाँ बढ़ पड़त बतौलनि। प्रदेश सरकार हाम्रो यस अर्थमा हाम्रो केन्द्र सरकार हाम्रो द्वन्द्व पनि छ त्यसको अधिकार पनि हामीले चाहिँ संविधानले जो सूचीहरू निर्धारण गरेको छ ती सूचीमा पनि साझा एकका विषयमा पनि कतिपय हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ। तर यसलाई कुन रूपमा लिनुपर्छ भने वाचन अवसरको लागि हामीले मुख्यमन्त्री पोखरेल संघीयताके मुख्य उपलब्धिए प्रदेश सरकार भेलासँ प्रदेश सरकारके सक्षम बनाव पड़त बतौलनि। केन्द्र सरकार केन्द्रमे बहुत आ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमे कम बजेट अलगके उल्लेख करैत वित्तीय संघीयताके कार्यान्वयन करमे जोड देलनि। हिजोको दिनमा केन्द्र र तलसितै थियो विभिन्न नाममा थियो तर प्रदेश सरकार भनेपछि सङ्घीयतालाई हेर्दै बुझ्ने पहिलो मलाई लाग्छ त्यही यसलाई हामीले
सक्षम बनाएर लैजान सकियो भने र मलाई के लाग्छ भने जे जति साधन स्रोत छ अर्थ पनि बताउनु हामीले विनियोजन गर्ने जो सानो रकमबाट जसरी हो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार आ स्थानीय तहप्रति अनुदार भेल टिप्पणी कैलन मुख्यमंत्री पोखरेल प्रहरी आ कर्मचारी केन्द्र सरकार के माथात में रहला से प्रदेश में काज कर कठिन भेल दावी कैलन राष्ट्रपति विद्या भंडारी विद्यालय शिक्षा में पैघ सुधार आवश्यक रहल बतौलने बुध दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश से तालीम के लिए काठमांडू पहुँचल प्रतिनिधि संघ के भेटघाट में राष्ट्रपति भंडारी आजुक आवश्यकता विद्यालय शिक्षा में पैघ सुधार करके रहल बतौलने ओ युवा युवती बीच हो वाला अपहरण बलात्कार जेहन विकृति के समाज से न्यूनीकरण कर सामाजिक संघ संस्था के पैघ भूमिका रहला से सामाजिक संघ संस्था से सरकार संग मिलकर समाज के विकृति विसंगति के समाधान कर पड़त बतौलने को एकदमै ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ र हाम्रो एउटा हामीले सबैले ध्यान लगाउनु पर्ने क्षेत्र भनेको अब विद्यालय क्षेत्र हो एउटा यो देशमा पैदा भएको नानी बाबु होस् बच्चा होस् छोरा होस् छोरी होस् सकुशल अगाडि बढोस् उसको स्वास्थ्य राम्रो होस् उसैलाई कुनै आश नआओस् र उसको विकास जुन एउटा चौतर्फी विकास भनौँ सर्वाङ्गीण उसको जुन राष्ट्रपति भंडारी समाज में विकृति आ विसंगति नहीं हो कहक लेल अपना जगह से परिवर्तन कर पड़त बतौलन वो पश्चिम में छाउपड़ी के समस्या विभिन्न दुर्घटना के आन रहल कहत अ के समाधान कर सबसे पहले अपन दिमाग के छाउपड़ी के हटाब पड़त बतौलन मानव शरीरको त्यो नभइकन त सन्तान पनि पैदा हुँदैन नि तर त्यो कुरालाई पनि यस्तो अन्धविश्वासले चाहिँ जगडेको छ कि अब त्यसबाट पनि धेरै घटनाहरू एउटा त शारीरिक दुःख त हुन्छ हुन्छ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम महिला सबके लिए सफल भ रहल बतबैत अन्य कार्यक्रम अनेत समाज विकास में लाग पड़त बतौलने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव नेपाल के कृषि जलविद्युत आ पर्यटन क्षेत्र में लगानी कर गैर आवासीय नेपाली सबके आग्रह कैलने पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाल के भू बनावटे कृषि जलविद्युत आ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल रहल उल्लेख करत वही क्षेत्र में लगानी करत सहज ढंग से प्रतिफल लेब गैर आवासीय नेपाली सबके आग्रह कैलने बुध दिन आइडिया फॉर नेपाल काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ नेपाल के स्रोत साधन अनुसार के क्षेत्र में लगानी कर उपयुक्त हेबाक बतौलन पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाल के प्रकृति मैत्री क्षेत्र में लगानी केला पर नेपाली के स्वदेशे में रोजगार पेबाक सहयोग हैत बतबैत आइडिया फॉर नेपाल के सेहो प्रशंसा कैलन सराहना गर्छु तपाईँहरूले सारा नेपाली चाहिँ जोडेर गैर आवासीय नेपालीहरूलाई जोडेर र आफ्नो ज्ञान सिप र पुँजी कसरी चाहिँ कि नेपालमा चाहिँ आएर केही गरौँ भनेर जुन पवित्र भावना तपाईँहरूले लिनुभएको छ त्यसलाई एहि अवसर में पूर्व राष्ट्रपति यादव प्रकृति मैत्री क्षेत्र में लगानी केला पर वातावरण में समेत प्रतिकूल असर नहीं हैत बतौलन नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली अपन सभ्यता इतिहास आ संस्कृति बचाव जरूरी रहल बतौलन संस्कृति बचाव अभियंता सब संग बुध दिन बालकोट में भेल भेंट में एमाले अध्यक्ष ओली सभ्यता के सृष्टि हमर अहाँ के भूमि भेल तर्क करैत एकरा बचबैत गेला पर मात्र इतिहास पर न्याय हैत बतौलन हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन हाम्रो सभ्यतासँग सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो पछि अन्तत छरियो एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त यहाँ आगो बालियो अन्त ज्योति फैलियो पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथेश्वर निस्किए
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमेथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमेथस भएर निस्किए, हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यस कारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पऱ्यो, अरूका ज्ञान चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भनेदेखि ग्यालिलियोले यसो गरे, उनले यसो गरे, न्युटनले अध्यक्ष ओली पूर्वज सबके ई भूमिके ज्ञान भूमि तपोभूमि कहल बात सही रहल बतौलनि। संग पछिला 24 घंटा में देश भर थप 435 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6715 पीसीआर परीक्षण में 370 आ 3552 एंटीजन परीक्षण में 65 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पछिला 24 घंटा में कोरोना से ककरो मृत्यु नहीं भेल। नेपाल में एखन मृतक के संख्या 11621। तहिना पछिला 24 घंटा में देश भर 239 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 5225 गोटे सक्रिय संक्रमित है। एखन धरि 813176 गोटे ठीक भ चुकल है। तहिना प्रदेश दू में पछिला 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निदेशनालय तथ्यांक अनुसार परसा में 4 आ धनुषा में 3 संक्रमित भेटल। अही संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38670 पहुंचल। मृतक के संख्या 1040 रहल। तहिना प्रदेश दू में एखन धरि 37562 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश दू में एखन 68 सक्रिय संक्रमित। 2072 साल के विनाशकारी भूकंप से टूटल घर सबके पुनर्निर्माण संपन्न भेला पर घर पावे वाला सब खुशी भेल। 2072 साल बैसाख 12 गते के विनाशकारी भूकंप आ 29 गते के पराकंप के कारण नेपाल में पैघ जनधन के क्षति भेल छल। जग्गा विहीन सबसे हो घर बनाब के लिए जग्गा पौने आ रह के लिए उचित वास स्थान पौला से खुशी देखल गेल। भारत सरकार आ संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP के संयुक्त सहयोग में गोरखा आ नुआकोट के करीब 50,000 घर पुनर्निर्माण संपन्न भेल। 3,00,000 में सरकार बना देने घर में एखन आनंद महसूस भ रहल ओ सब बतौलक। भूकम्प को पैसा अरूलाई धनी धनीलाई 3-3,00,000 दिए, हामीलाई 5,00,000 दिएको थिए। 2,00,000 घडीहरू किनियो, चारा नै किनियो र अहिले चाहिँ मजाले भित्र बसेर खानाहरू पकाउनलाई, सुत्न बस्नलाई। अनि यस्तो पुरानो घर यो मेरो बुवाले बनाएको जग हो। गोरखा नगरपालिका वार्ड 13 के अध्यक्ष हरिबहादुर खनाल एखन निर्माण संबंधी अधिकांश काज सब संपन्न भेल आ किछ विद्यालय तथा सांस्कृतिक संपदा के काज सब बाकी रहल बतौलनि। तर के छ त भन्दा मुख्य त सरकारले जम्मा तपाईको भनौं न सहयोग गर्न सकेन। 3,00,000 यो पहाडी भेगमा चाहिँ घर बनाउन गाह्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ दौडधुप यताले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नर्मल, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ नर्मल भयो। र यो के अरे रकम चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया पनि अलिकति छिटो छरिटो ढङ्गबाट भयो। र प्राविधिकहरू पनि अब वडावडामा प्राविधिकहरू पठाइसकेपछि घरको के अरे सर्वेक्षण गर्ने, घर घरमा पुग्ने, हेर्ने काम भइसकेपछि अलिकति नर्मल भयो। र अहिले अब एक आध वर्ष भयो अलिकति नर्मल ढङ्गबाट सबै धेरै घरहरू बनिसके पछाडि चाहिँ अब त्यो घरहरू बनाउँदै गर्दा पनि कहाँ बस्ने भन्ने थिएन। के अरे हामी त त्यो निर्वाचन गर्दाखेरि पनि के अरे टरमै बसेर के अरे चाहिँ घर निर्माण भइसकेको थिएन। टरमै बसेपछि निर्वाचन भएको अवस्था थियो क्या त्यतिखेर। र जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि चाहिँ यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट अलिकति छिटो छरिटो गर्यो, त्यसबाट चाहिँ अलिक नर्मल अवस्थामा आयो। हामीले चाहिँ जोड के चाहिँ आवास पुनर्निर्माण बाद स्थानीय सबके रोजगार सृजना भेल आ काज सम्पन्न काज सिखके अवसर भेल कहैत आर्थिक स्थितिमे सुधार भेल बतौलक। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास उप प्रमुख खाम्पा नामग्याल भारत सरकार भूकंप से टूटल आवास गृह बनाब सहयोग कर रहल आरो विकास के क्षेत्र में सहयोग करबाक बतौलनि। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से सप्तरी में प्रदेश दूक राज्य मंत्री कर्ण सवार गाड़ी दुर्घटना, राज्य मंत्री कर्ण सहित 6 गोटे घायल। जनमत पार्टी से किसान आंदोलन जारी, बुध दिन से हो विभिन्न स्थान में चक्का जाम प्रदर्शन। मौल खादक अभाव हटाव भारत संग G2G समझौता करवाक सरकारक निर्णय, पहल चरण में 1.5 लाख मेट्रिक टन खल मौल खरीदा।
जनकपुर जयनगर रेल जल्दी संचालन में अनबाग सरकारक तैयारी। प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के क्रम में मिति तय हेबाक मंत्री यादव से जानकारी। आ नेपाली कांग्रेस धनुषाक सभापति में क्षीरेश्वर नाथ के मेयर पजियारक उम्मीदवारी घोषणा। अधिवेशन माघ 15 गते हैत। बेस्त अपन न्यूज एखन लैत वह पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।